कानपुर विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक, जिनके पास आगरा विश्वविद्यालय का भी अतिरिक्त प्रभार है, उनके ऊपर अति गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। चिंता का विषय यह भी है कि मुकदमा भ्रष्टाचार के प्रकरण में हुआ है। सूची है कि राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में प्रोफेसर विनय पाठक के संबंध में पदीय अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों का अनुचित लाभ लेने, शासकीय धन का दुरुपयोग करने तथा वित्तीय कदाचार का आचरण करने विषयक धाराओं में दिनांक 29 अक्टूबर 2022 को एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। प्रकरण की जांच हेतु शासन स्तर से विशेष जांच दल का गठन किया गया। SIT द्वारा की गई जांच में प्रथम दृष्टया आरोपों को प्रमाणित किया और जिसकी सूचना सार्वजनिक है। प्रोफेसर विनय पाठक द्वारा राजधानी लखनऊ के शिक्षण संस्थान में कुलपति पद पर रहते हुए वृत्त स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है तथा पदीय अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अपने चहेतों का अनुचित लाभ दिया गया। इस संबंध में गठित SIT द्वारा जांच में सहयोग किए जाने हेतु अनुवृत्त प्रोफेसर पाठक को बुलाया जा रहा है, किंतु प्रोफेसर पाठक द्वारा जाँच में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। देखिए, हम कानपुर के लोग हैं, हमारे बीच की एक महान शख्सियत जिसकी डिग्री भी फर्जी थी, फिर भी वो कुलपति बने और एक दो नहीं अनेकों अनेक विश्वविद्यालय कुलपति बने। हर विश्वविद्यालय में उन्होंने सैकड़ों करोड़ों घोटाले किए और बात खुल ना सकी। आखिर में एक व्यक्ति ने जो पीड़ित था उसने शिकायत करी और मुकदमा दर्ज हुआ और दो तीन लोग जेल भी गए। और लेकिन देखिए, 2.5 महीना हो गए माननीय कुलपति महोदय अभी तक फरार हैं और आज तक जाँच के लिए प्रस्तुत तक नहीं हुए। STF ने जाँच पूरी कर ली, STF से जांच छीन ली गई, जांच CBI को दे दी गई और कुलपति जी नहीं मिले। और कमाल की बात है, कुलपति जी का वेतन जा रहा है, 3 लाख रुपए महीना कुलपति जी का वेतन जा रहा है और सारे काम चल रहे हैं। तो ऐसी महान शख्सियत जिनके ना होने पर भी सारे काम बदस्तूर चलते रहे, हजारों करोड़ ले जाने के बाद भी पकड़े ना जाए, पुलिस उनको ढूंढ ना सके। वो पुलिस जो इरफान सोलंकी घर में रात में कूद जाती है पर कुलपति महोदय घर में आज तक नहीं कूद पाए, तो ऐसी महान शख्सियत, तो उनकी इसी खड़ाइयों से संभवतः इस विश्वविद्यालय का काम चल रहा। 2 विश्वविद्यालय कुलपति तो वर्तमान में भी है और पद से भी नहीं हटे। बताइए, महानता को थोड़ी है कि हजारों करोड़ घोटाला उसके बाद ही पद पर भी बने हुए, तनख्वाह भी आ रही है। तो ऐसे महान कुलपति जिनकी खड़ाइयों से विश्वविद्यालय चल रहा है, उनकी खड़ाइयों का हम लोग पूजन कर रहे हैं, नौजवानों से निवेदन कर रहे हैं, एक कुलपति के सम्मान में नारे लगावें और कुलपति की खड़ाइयों के साथ में सेल्फी लेकर के जरूर जाएं ताकि आने वाले भविष्य में उनका आशीर्वाद सब नौजवानों को प्राप्त हो। हमारी कोई मांग नहीं है, हम तो उनका सम्मान करने आए। हम तो चाहते हैं जीरो टॉलरेंस सरकार है, ये ऐसे ही जीरो टॉलरेंस बनाए रखे, हजारों करोड़ को जनता का लूटें और लूट करके बंदर बांट करें। हमारी कोई मांग नहीं, हम तो चाहते हैं कुलपति महोदय का सम्मान हो और जो विश्वविद्यालय बचे हैं उनका चार्ज भी ऐसे ही महान कुलपति को दे दिया जाए। सर, जैसे 13 साल, लगभग 13 साल के कार्यकाल में उन्होंने 8 बार वाइस चांसलर के पद में कार्यरत रहे, तो इससे और पहले की कंप्लेने थी क्या? अभी उन्होंने हर विश्वविद्यालय में घोटाले किए हैं, हर जगह की शिकायतें हैं, नियुक्ति में, पेपर बनाने में, पेपर लीक करने में, हर जगह उन्होंने निर्माण का FD तोड़ तोड़ कराया है, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ की FD तोड़ी हर विद्यालय में। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं था, कोई बोलने वाला ही नहीं था और सरकार सुनने वाली नहीं थी। 2014 से उनका कामकाज चल रहा है, लेकिन एक आदमी आया जो स्वयं उसका हिस्सा था, जिससे पैसा लिया गया था, उसने बात खोली, खोली बात पकड़ी भी गई, लेकिन कुलपति महोदय नहीं पकड़े गए। 1.4 करोड़ का लगभग घोटाले का जो आरोप, 1.4 1400 करोड़ है भाई, पता।